नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विवादित भूमि पर सिविल न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद भी स्थानीय पुलिस तहसील प्रशासन की मिलीभगत से विवादित भूमि पर रातों रात कराया गया अवैध निर्माण। पूरा मामला तहसील सिकंदरा थाना राजपुर क्षेत्र के भाल गांव का है, जहां पीड़ित महिला प्रीति देवी ने पूरे मामले की जानकारी लिखित शिकायत प्रार्थना पत्र में जिलाधिकारी को बताया है कि मैं सन 2018 में भाल गांव के रमेश सिंह से 1.5 बीघा भूमि बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने क्रय की थी, जिसका रजिस्टर्ड बैनामा मेरे पास है, खतौनी भी मेरे नाम पर दर्ज है। इसके बावजूद गांव के दबंग भू माफियाओं ने कब्जा करने का प्रयास किया था। तत्पश्चात पीड़ित महिला ने सिविल न्यायालय में दाखिल कर स्टे प्राप्त कर स्थानीय पुलिस तहसील सिकंदरा में स्थगन आदेश SDM के बाद को अवगत कराया। फिर भी दबंग भू माफियाओं ने SDM पुलिस की साठगांठ से रातों रात विवादित भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण करा दिया। जब इसका पता पीड़ित महिला द्वारा अवैध निर्माण रोकने का विरोध करने पर पीड़ित महिला ने दबंग भू माफियाओं को मारपीट का आरोप भी लगाया। उपरोक्त संबंध में तहसील सिकंदरा SDM ने बाइट देने से इनकार कर दिया। मामला जनपद कानपुर देहात के तहसील सिकंदरा थाना राजपुर क्षेत्र के भाल गांव का है। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए जंग बहादुर सिंह की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आशुतोष कुमार। किस गांव रहने वाले हैं? हम रुड़गांव कानपुर देहात के। आज क्या मामला हुआ? आज ये मामला हुआ सर, हमने जमीन भाल में खरीदी हुई है, 1.5 बीघे मेरी जमीन है। कुछ दबंगी लोग वहाँ पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। कौन लोग हैं, क्या नाम है? उनका सुभान सिंह नाम है, लाल सिंह और जयपाल सिंह, श्रीधर और गुड्डू वगैरह, ये सारे लोग कब्जा कर रहे जबरदस्ती। आपने कहीं शिकायत नहीं? शिकायत मैंने SP साहब को भी, यहाँ DM साहब को दी और यहाँ पर SO साहब, SP साहब के यहाँ भी गया, लेकिन सर हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आश्वासन में क्या मिला आपको? आश्वासन में कह रहे हैं कि तुम मुकदमा हार चुके हो, जबकि हमारा सिविल न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, स्टे चल रही है, लेकिन वो लोग जबरदस्ती दबंगई के साथ कब्जा कर रहे हैं। क्या लगता है किसकी मिली भगत है इसमें? प्रशासन की मिली भगत, SDM साहब और कानून को लेखपाल और SO साहब सब लोग मिले हुए हैं इसमें। आप वहाँ मौके में जाते क्या? मौके पर मैं जब वहाँ पर गया तो मैंने कहा, विरोध किया कि भैया ये गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे साथ मारकूट की और सब लोग एकदम से टूट पड़े। मैं जान माल के खतरे के साथ मैं भाग खड़ा हुआ वहाँ से। मारपीट की शिकायत मैंने SO साहब के समक्ष की भी, सर इन्होंने मारा, तो बोले SO साहब तुरंत बोले उनसे कि आप भी मुकदमा लिखाइए और ये भी मुकदमा लिखाएं, तो मैं डर गया कि वो भी मुकदमा लिखाएंगे, तो इसलिए मैं हट गया वहाँ से। अब क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं हमें न्याय मिलना चाहिए सर, और वहाँ पर हमारी जमीन छुड़ाई जाए हर हालत से।